हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम एमेनोरिया के बारे में जानेंगे। एमेनोरिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेस हैं, क्या सिम्टम्स हैं और होम्योपैथी में इसकी क्या मेडिसिंस होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड का एब्सेंट हो जाना। एमेनोरिया बेसिकली टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है कि जो बच्चियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा की हो गई हैं, उनमें पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ओवरीज में प्रॉब्लम की वजह से या यूट्रस में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है उसमें क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं उनको पीरियड आ रहा होता है लेकिन कुछ नेचुरल चेंजेस की वजह से पीरियड रुक जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में। तो इसके कॉजेस में क्या होता है, अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी पीरियड डिले हो सकते हैं या पीरियड एब्सेंट हो जाते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से या PCOS या हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से पीरियड कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स में आपको देखने मिलेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, एक्ने हो सकते हैं आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट से मिल्की वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, क्लॉट हो सकते हैं आपको, मेंसेस नहीं होगा, क्रैम्प्स होंगे, पेल्विक रीजन में आपको पेन हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। तो जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है सिनेसियो। सिनेसियो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खासकर यंग गर्ल्स के लिए जिनका पीरियड डिले हो रहा है या जिनको बहुत ही स्कैंटी पीरियड होता है, क्लॉट्स आते हैं और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको ये मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और आप एक आधे कप पानी में इसके 10 ड्रॉप डाल लीजिए और दिन में 2 बार आपको इसको लेना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। ये भी मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, ये आपको 200 पोटेंसी में लेना है दिन में 2 बार। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है अगर आपका पीरियड जो है, मेंसेस हैं वो किसी शॉकिंग न्यूज़ की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या किसी भी प्रकार का आपको शॉक लगा हुआ है उसकी वजह से अगर पीरियड डिले हो जाता है तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है। आप इसको 200 पोटेंसी में ले लीजिए दिन में 2 बार, 1 चम्मच पानी में आपको इसको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि सारी लगभग फीमेल कंप्लेंट्स के लिए जानी जाती है, वो है सीपिया और पल्सेटिला। ये दोनों मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेना है 200 पोटेंसी में। अगर आपका पीरियड जो है वो PCOD या PCOS की वजह से कभी कभी उसमें डिले हो जाता है या बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, गैप हो जाता है कुछ महीनों का, तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको भी आपको 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार आपको लेना है। काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इनको ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको बायो कॉम्बिनेशन 15 ये टैबलेट आपको लेना है। ये सारी जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी भी आपको 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, इनको आप ले सकते हैं। इन सारी मेडिसिंस को ये आपको ईजिली किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएंगी और आपको काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा।